मैं रोजाना बयान में कहता हूं कि मेरी तरफ से हदिया, आज अहमदाबाद वालों को भी एक हदिया दे रहा हूं। अरे बताओ कबूल करोगे अहमदाबाद वालों? और वो हदिये के चार नाम है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। ये मेरे देखिए कितना नाम है भाई, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। और वो क्या, रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह से दुआ कबूल करेगा, अल्लाह कबूल करेगा। बड़े तजर्बे हैं मेरे। आपके अहमदाबाद की एक डॉक्टर नहीं, इस वक्त शिकागो में, आपके अहमदाबाद की है। मैंने कई सालों पहले नवाब मस्जिद में एक मजमून बयान किया था। मैंने कहा भाई कुरान शरीफ के हरूफ 3,40,000 हैं, कुछ लोगों ने लिखा है 3,65,000, कुछ लोगों ने लिखा है 3,70,000, कुछ लोगों ने लिखा है 4,00,000। जिसकी जो तहकीक होती गई वो लोग लिखते गए। मैंने भी मेरी तफसीरों के अंदर मेरी रियाजुल कुरान जो हमारा तर्जुमा है उसके आगे मैंने लिखा भी, तो उलमा के अलग अलग अकवाल हैं, हज्जाज इब्न यूसुफ ने गिनवाए थे, फिर उसके बाद लोगों ने गिनवाए, अलग अलग रिवायत अलग अलग उलमा ने लिखे हैं नाम कि कितने हैं। मैंने कहा राउंड फिगर पकड़ लो 5,00,000, इसमें तो किसी का कोई इख्तलाफ है ही नहीं, यानी 5,00,000 से ऊपर तो है ही नहीं, 5,00,000 से नीचे ही है। तो मैंने, वो डॉक्टर ने जो बहुत परेशान थी, मैंने कहा डॉक्टर ने साहब आपको अगर अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे और अल्लाह ताला आपको कुव्वत दे, इसलिए डॉक्टर तो वैसे मशगूल रहता है, और वो डॉक्टर नहीं थी तो वैसे ही आपके अहमदाबाद की थी, इसलिए वो मुझे किस्सा याद आया। बम्बई में ये लोग रहते थे, बम्बई में हमारे बयान लोग सुनते थे, घरों घरों में माइक लगते थे। अब जो है मामला ख़त्म हो गया तो अल्लाह ने व्हाट्सअप का सबक शुरू कर दिया, तो व्हाट्सअप पर आपके अहमदाबाद में मेरा व्हाट्सअप का सबक पहुँचता है, नहीं पहुँचता भाई, पहुँच जाता होगा कहीं ना कहीं से। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर अल्लाह आपको हिम्मत दे तो आप जो है कुरान के हरूफ के मुताबिक सूरह इखलास पढ़कर अपने लिए रखो, और मरने के बाद इसका इतना बड़ा अल्लाह ताला आपको अजर देगा क्या कहो ये फकीर ने क्या बताया मुझे। 2 साल में पूरा करो, 5 साल में पूरा करो, 6 साल में पूरा करो। और फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब हिसाब तो हर आदमी लगाता है ना, अरे धंधो जे करे हिसाब करे जे कहीं कर दो, प्रॉफिट थी कि नफा थोड़ा नुकसान थे कुछ थे। मैंने कहा 5,00,000 मरतबा अगर पढ़ोगी तो जन्नत में कितने महल तैयार होंगे बताओ आपको। मैं कहा ना, मैंने कहा 50,000 बंगले तैयार होंगे रेडीमेड आपके नाम के, आपकी मिल्कियत है वो। बोल साहब 50,000, आटला बदा बंगला आप शू करशू, 50,000 बंगला क्या करेंगे बोलो ना। मैंने कहा जब हम वहां जमा होंगे ना इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे वहां, वो टेंशन मत लो। मेरे अब्बा भी यही कहते थे, हमको कहते थे कि बेटा 100-100 मरतबा सूरह इखलास रोज पढ़ लो तो 10-10 बंगले तो अपने तैयार हो ही जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी है, अल्लाह को कहेंगे अल्लाह पाक हमारी प्रॉपर्टी है। और वहां जो बंगले तैयार होंगे जमीन के साथ होंगे, लटके अटके नहीं होंगे, जमीन जन्नत के जमीन के मालिक अभी से बनो, सोच होनी चाहिए। वो डॉक्टर ने कहा मुझे 4 साल के बाद फोन आया कि मैंने कहा आपको हदिया भेजा है मिला? मैंने कहा मुझे तो नहीं मिला, आपने अहमदाबाद भेजा होगा, अब अहमदाबाद वाले बम्बई भेजेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो आपको पहुंच गया है। मैंने कहा बताओ, पहले मैंने 5,00,000 मरतबा पढ़ा आपको हदिया दे दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, ऐसे शागिर्द तो हमारे बहुत काम के माशाल्लाह। फिर उन्होंने कहा दूसरी मरतबा 5,00,000 पढ़ा तो उन्होंने कहा वो मैंने मेरे लिए रखा। फिर मेरा 2019 में सफर हुआ कैलिफोर्निया का, कैलिफोर्निया भागम दौड़े का सफर था, 1 महीना था मार्च का हमारे पास, उसमें शिकागो भी करना था, उसमें कैलिफोर्निया भी देखना था, उसमें हॉलीवुड भी देखना था, यानी देखने का प्रोग्राम थे सारे हमारे जो है। उसमें माइकल जैक्सन है ना, माइकल जैक्सन नाम सुना होगा, उसके वहां भी जाना था हमें,
लेकिन वो हमारी उनकी मुलाकात हुई माइकल जैक्सन की वो हॉलीवुड के अंदर, तो उसके जो भी रिश्तेदार है सारे प्रोग्राम लेके हम चले थे, कभी ये करना भी उसके अंदर सैन फ्रांसिस्को भी था, लॉस एंजलिस भी था, फिर उसमें ये विंकोवर भी था कनाडा वाला, विंकोवर के बाद टोरंटो भी था। तो वो डॉक्टर ने कैसे मैसेज पहुंचा कि ये मौलाना का ऐसा सफर हो रहा है जैसे व्हाट्सएप पर होता है ना, तो उसने कहा कि मेरे स्टेशन के करीब आप कहाँ है। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो भाई हवाई जहाज में बैठता हूँ, साथी उतार लेते हैं, बयान कर लेता हूँ, बयान करके फिर जो दूसरी जगह चला जाता हूँ, कुछ पता ही नहीं होता आपका स्टेशन कहाँ है। बोले हाँ मेरे स्टेशन के करीब है। वो मुझे मिलने आई उसकी बेटियों के साथ और मुझे कहा कि सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह ने मेरी सारी बेटियों को डॉक्टर नहीं बनाया, सारे दामाद डॉक्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के और कनाडा के 15 दिन अमेरिका में काम करती हूँ, 15 दिन अमेरिका अपने टोरंटो में काम करती हूँ और टॉप लोगों में शामिल हूँ, और एक ही दुआ करती हूँ किसी का ऑपरेशन करना हो कुछ भी काम हो, ए अल्लाह सूरह इखलास की बरकत से मेरा काम बना दे। अल्लाह बना देता है। तो आपको 5 लाख मरतबा तो नहीं दे सकता वरना मुझे भगा दोगे यहां से, कह रहा तो मोहंगो मौलवी से भाई, तो 5 लाख तो कौन पड़े, दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो आजमे सफर पैदा कर, 100 मरतबा का तो वादा कर लोगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।